नमस्कार सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे, आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। कोरोना महामारी को लेकर पूरा देश लॉकडाउन चल रहा है। अन्य प्रदेशों से प्रवासी मजदूरों का पलायन जारी है। अधिकतर देखने को मिल रहा है कि प्रवासी मजदूर अपने अपने घरों में रहकर भी लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि शासन प्रशासन के लोगों का सख्त निर्देश है कि जो भी प्रवासी मजदूर होम क्वारंटाइन में हैं, वो भी 21 दिनों तक सामान्य दूरी बनाकर रहें और घरों से बाहर ना निकलें। शासन प्रशासन के आदेशों के बावजूद भी लोग चोरी छिपके घरों में रह रहे हैं, जो घातक सिद्ध हो सकता है। ऐसे लोगों को जो लॉकडाउन का पालन कराने की सलाह देता है, उसके ऊपर भी अब जानलेवा हमला भी शुरू हो गया है। ऐसा ही मामला जनपद जौनपुर के थाना मुगराबाद शाहपुर क्षेत्र के ग्राम सुहासा अतरौड़ा में देखने को मिला, जहां पर विशाल सिंह पुत्र सभाजीत, विकास सिंह पुत्र सभाजीत सिंह, शुभम सिंह पुत्र दारा सिंह, शिवम सिंह पुत्र दारा सिंह, जो गत दिनों सूरत से आए थे और अपने घरों में रह रहे थे, परिवार के लोगों ने कहा कि आप लोग एक जगह रहें, छुआछूत मत करें, जिस पर चारों लोगों ने इतराज जताते हुए अपने ही चाचा मशहूर गायक राम सिंह की पत्नी पप्पी सिंह, राम सिंह की बेटी निकेता सिंह, राम सिंह की भाभी पार्वती सिंह के ऊपर मारपीट किया। मारपीट की सूचना पाकर गायक कलाकार राम सिंह भी मौके पर अपने घर पहुंच गए। इन चारों लोग व इनके पिता ने मिलकर राम सिंह के ऊपर धोखे से लात, घूसे, लाठी डंडे से जमकर प्रहार किया, जिससे राम सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। राम सिंह ने सबकी नजर से बातचीत के दौरान बताया कि मैं 7 भाई हूं, उन्हीं में से 2 भाई और उनके चारों बेटों ने मेरे परिवार को मारा। राम सिंह ने कहा कि मैं किसी पंचायत में गया था, सूचना पाकर मैं घर आया और अपने दोनों भाइयों और चारों भतीजों को समझाने लगा। उक्त लोगों ने मुझे बैठाया और अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिया। राम सिंह ने कहा कि लात, घूसों और लाठी डंडे से मेरे ऊपर इस कदर प्रहार किया कि मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया, गंभीर चोटें सीने पर आ गई है। खास बात तो यह है कि राम सिंह ने जब अपने ऊपर हुए हमले की जानकारी पुलिस को देना चाहा तो उन लोगों ने राम सिंह का मोबाइल भी छीन लिया। हताश राम सिंह चोट से कराहते रहे, लेकिन कसाई का रोल अदा करने वाले भाई भतीजे की आंखें नम नहीं हुई। राम सिंह को अस्पताल भी नहीं जाने दिया। चारों ओर से हमला होने लगा। चोट से बिलख रहे राम सिंह दूसरे दिन किसी सूरत अस्पताल जाने का बहाना करके थाना मुगराबाद शाहपुर गए और तत्कालीन थानाध्यक्ष अरविंद यादव को अपनी आप बीती सुनाया और दोनों भाई को छोड़कर चारों भतीजों के खिलाफ तहरीर दिया। राम सिंह की तहरीर पर विशाल सिंह पुत्र सभाजीत सिंह, विकास सिंह पुत्र सभाजीत सिंह, शुभम सिंह पुत्र दारा सिंह, शिवम सिंह पुत्र दारा सिंह के खिलाफ 21 मई 2020 को 504 323 धारा में मुकदमा पंजीकृत करके आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश देना पुलिस शुरू कर दिया है। चारों आरोपी और उनके पिता सभी फरार हैं, पुलिस तलाश में जुटी हुई है। आपको बता दें कि राम सिंह की गिनती अच्छे कलाकारों में आती है। राम सिंह की नाक से बांसुरी वादन की चर्चा हर जगह होती रहती है। आज वही गायक कलाकार राम सिंह बेड पर पड़े चोट से बिलख रहे हैं। क्या कहा राम सिंह, आप खुद सुन लीजिए। पेश है एसएस पांडे की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज सबकी नजर की टीम मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के ग्राम अतरौड़ा में और राम सिंह के निवास पर, यही वो मकान है। बाहर से जो इस समय प्रवासी मजदूर आ रहे हैं अपने अपने घरों पर लॉकडाउन में बाहर से आ रहे हैं और अपने घर में जब आते हैं तो उनको क्वारंटाइन के लिए सरकार ने आदेश दिया कि 21 दिन के लिए क्वारंटाइन हो, लेकिन राम सिंह ने कहा कि परिवार के लोग हैं, उन्होंने थाने में भी बोल दिया और अलग से उनको रहने की व्यवस्था भी कर दिया, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं और एक दूसरे से छुआछूत का भी सिलसिला धीरे धीरे जारी हो गया। राम सिंह के परिवार की तरफ से जब विरोध किया गया कि भाई आप लोग बाहर से आए हुए हैं, एक जगह रहिए, छुआछूत मत करिए, क्योंकि राम सिंह ने थाने में भी सूचना इसकी दिया था, उसको लेकर के राम सिंह के परिवार के ऊपर, राम सिंह के भाई के लड़के और उनके भाई
हमला कर दिए। वो हमला इस तरीके से हुआ जैसे आप लोगों ने देखा था कि महाभारत में किस तरीके से अभिमन्यु को एक धोखे के साथ मारा गया था, उसी तरीके से राम सिंह के साथ भी ऐसा हादसा हुआ। राम सिंह को बैठा करके जब समझाने की बात हुई, इसके बाद उनके ऊपर हमला हुआ। हमला इस तरीके से हुआ कि राम सिंह को गहरी चोट लग गई, काफी फ्रैक्चर भी हुआ है। आइए बात करते हैं भुक्तभोगी राम सिंह से। राम सिंह जी, ये जो हादसा आपके साथ में हुआ, जी भैया, आपके परिवार के साथ, कैसे हुआ, कौन लोग थे, आप विस्तार से बताइए थोड़ा सा। भैया, ये लोग हमारे बड़े भाई हैं, तो आनंद सिंह और सवाल जी सिंह के लड़के 17 तारीख को ये सूरत से आए हैं। भाई ने हमसे कहा हमारे बेटे आ रहे हैं, राम सिंह भैया स्कूल नहीं रह पाएंगे, आप घूमते टहलते हो, कोई व्यवस्था बना दीजिए। हमने कहा भैया अगर सेफ रहें तो रख दीजिए। हमने सिपाही को सूचना दिया, ग्राम प्रधान को सूचना दिया, भाई ने कहा हम इनको पत्तल में खिलाएंगे और रहने के लिए टेंट हाउस से खटिया ला देंगे। लेकिन दो दिन यूँ ही बीता तो ये लोग आना जाना शुरू कर दिए, तो हमारे बिटिया, हमारी हम थे नहीं, हमारी बिटिया ने रोका कि ये लोग हमारे मकान में घुस कर बैठे थे। दोपहर में हम सामाजिक कार्य था गांव में, सड़क का मामला था, उसमें गांव के लोग बुलाए थे, भैया आकर देख लीजिएगा, हम वहां गए थे, बिटिया हमारी गई थी, लोग मेरे ही चारपाई में बैठे थे। बिटिया ने विरोध किया, अभी हमारे पापा आएंगे तो आप सबको डांटेंगे। इसी से बात आगे बढ़ी है। एक उनका दारा सिंह का लड़का है शिवम सिंह, वो लुक्खा टाइप में है, बड़ी छोटी उम्र है भैया, लेकिन अभी से उसने गांजा भांग शुरू किया है, खाना पीना लुक्खा सुपारी। अभी हमारे गांव में एक बिंद सजीवन बिंद थे, उनके लड़के को मारा सिगरेट और भोला मुनक्का के चक्कर में। ये बात बिटिया ने जब विरोध किया तो बिटिया को हमारे मारे छोटा वाला बेटा था नितेश सिंह, जिसकी उम्र इस समय लगभग 16 साल की है, उसको मारा। मारने के बाद मेरा बड़ा वाला बेटा नितिन सिंह, उसका विरोध किए तो ये लोग नितिन सिंह को मारे। हमारे बड़े भाई साहब ने छुड़ाया, बड़े भाई साहब को धपरा पकड़ पकड़ फेंक दिए। कि यहाँ से जब हमने हल्ला सुना तो गांव वाले ने कहा भैया अपना सारा झगड़ा हो गया, आप घर जाके देखो। हम आए तो देखे थे लोग, हमने भी अपना इन लोगों को डाटा फाटा, उसके बिहान भी ये लोग क्या मीटिंग बनाए क्या नहीं बनाए। हमारे हम जो है सीढ़ी गाड़ी चढ़ाने के लिए पोटको में बनवा रहे थे मिस्त्री, हमको बुलाए, आइए दो बात करना है, आइए सुन लीजिए। हम और हमारे बड़े भाई साहब रणविजय सिंह, हम दोनों लोग कुर्सी पर जाके बैठे हैं। इसके बाद इन लोगों ने दो बात हमसे कह करके हमला बोल दिया। हमारा पूरा गांव आया था, गांव के मैटर जो है गांव वाले ने कहा कि जब छुड़ाने की कोशिश किया तो ये लोगों ने बोला कि हमारा घर का पारिवारिक मामला है, इसमें गांव का कोई व्यक्ति नहीं हाथ लगाएगा। गाली दे कर गाँव वालों को, भैया हमको घसीट घसीट करके लोगों ने मारा, हमारे फ्रैक्चर हो गया है। हमने तुरंत मोबाइल छोड़ लिए, मैं 100 नंबर फ़ोन करना चाहता था कि हम 100 नंबर फ़ोन करके अपनी जान को बचा लें, हमारी मोबाइल हाथ से छोड़ लिया गया। हमारी गाड़ी की चाबी बोला कि हमने कहा चलो हम जाएंगे डॉक्टरी, किसी के कहने पर गाड़ी की चाबी हमको मिली, कहे नहीं यार साल तुमको मार डालूंगा, डॉक्टर नहीं आएगा तुम कहीं नहीं जाओगे। ये सारी बातें हम ले जा करके हमारे हम सामाजिक व्यक्ति हम थाने में जो नहीं गया, हमें सारे सिपाही यशो मुगरा अरविंद यादव जी ने हमें पहचाना, अरविंद यादव जी ने हमें पहचाना, ये ब्यास जी हैं, राम सिंह जी हैं, गायक हैं, उन्होंने हमसे कहा तुम अपना व्हीकल बनाओ। हमारी पत्नी को मारे, हमारे बड़ी भाभी को मारे, हमारे बिटिया को मारे, चार मेडिकल हमने बनवा करके, जिसके तहत दरोगा जी ने कुछ अपनी कार्रवाई की और डॉक्टर ने हमको रेफर किया, बोला कि जाके आपको चोटें आई हैं, आप जाइए जिला अस्पताल, लिख दिए थे हमने। अब उसका एक्सरे कराने के बाद भी उसमें फ्रैक्चर आया है, फ्रैक्चर की वो रिपोर्ट थाने गई है, देखिए आगे कार्रवाई। हमारे नए SO आए हैं, हम
हम उनसे परिचित नहीं, नबी अपनी बात उन तक पहुंचाए हैं। सात भाई राम सिंह हैं, सातों भाइयों में बहुत अच्छी एकता थी। इस समय पांच भाई एक में हैं, दो भाई अलग रह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी राम सिंह अपने भाई के प्रति इतनी ज़्यादा ममता दिखाए कि लड़ाई के बावजूद भी, मार खाने के बावजूद भी राम सिंह अपने भाई के खिलाफ तहरीर नहीं दिए थाने में। जो भी तहरीर दिए हैं वो उनके बेटों के नाम पर दिए हैं, यानी अपने भतीजों के नाम तहरीर दिया है। देखिए कितना बड़ा दिल राम सिंह का है, जो लोगों में, समाज में बैठ करके और लोगों को मनमुग्ध करते हैं अपने कला के माध्यम से। आप देखिए समाज में ये कितना अच्छा संदेश दे रहे हैं कि मार खाने के बावजूद भी भाई के नाम पर तहरीर नहीं दिया है। मशहूर कलाकार राम सिंह, राम सिंह राजमल पांडे एंड राम सिंह कंपनी के नाम से लोग जानते हैं, एक ग्रुप बना हुआ है, राजमल पांडे उनके राम सिंह के गुरु हैं, यहाँ पर मौजूद हैं, आए हैं राम सिंह को देखने के लिए। आइए बात करते हैं कि आपका क्या कहना है। राजमल पांडे जी, आप तो आए हैं राम सिंह के साथ, हमेशा आपका गाना बजाना चलता रहता है, लोगों को आप मग्न मुग्ध कर देते हैं, आप देश विदेश चारों तरफ आप घूम रहे हैं, आज जो राम सिंह के साथ हुआ है क्या कहना चाहते हैं? सर, जहाँ तक हमारा विश्वास है, जानकारी है, और हमारे साथ में काफ़ी दिन से, तो 2500 साल से हमारे साथ में रह रहे हैं, इनके बारे में भली भांति परिचित हूँ। स्वभाव से अच्छे हैं, विचारधारा इनकी बहुत अच्छी है, सब में प्रेम व्यवहार से रहते हैं। इनके साथ जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। हमको राम सिंह को अपने दरवाजे पर बुला करके ये बातचीत पूछने के लिए हम लोग गए, लेकिन तत्काल इनके दिल में ये था इनको जान से मार डालो, और इनका ये जो सब के मुखिया बने हुए हैं, सब भाइयों के मुखिया बने हुए हैं, यह नहीं रहेंगे, यहाँ कुछ नहीं होगा, और हम लोग अपनी इस मकान में घुसकर कब्जा हो जाएंगे। यह साहब इस नीयत से इनको जान से मारने के लिए आए थे। हम यह नहीं समझ पाए कि ये लोग जान से मारने के लिए आ रहे हैं। हम जब झगड़ा हुई तो हम तो साहब बचा ही रहे थे, तुम भी मेरे भाई हो और ये भी मेरे भाई हैं, हम बड़े भाई हैं, जैसे हमारा लड़का वो वैसे हमारा लड़का ये। लेकिन ये बाद में मेरे समझ में आई कि जब हमको दो एक लाठी भी हमको मार दिया गया, उसके बाद मेरा ढोंढ़ा पकड़ लिया गया, हमारी औरत को गिरा कर मारा गया, उसके अलावा साहब हमको धमकी दिया गया, साले तुम अपने बेटे को बुलाओ तब तुमको बताऊंगा, और तुमको छोड़ दिया बड़ा भाई समझकर। ये सब धमकियां देकर साहब ऐसी ऐसी वारदात मेरे साथ किए गए, दोनों भाई के साथ, और इतनी बड़ी धमकी दी है सर कि अगर ये लोग रहेंगे तो जरूर यहाँ हादसा होगा। सर अभी आपने देखा किस तरीके से मशहूर कलाकार, गायक कलाकार जो अपने नाक से बांसुरी बजाते थे, अपनी नाक से बांसुरी बजा करके लोगों को जो मग्न मुग्ध कर देते थे, आज उनको ऊपर हमला हुआ है और आज वो सरसैया पर जैसे पड़े हुए हैं। थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई है, चार लोगों के खिलाफ पुलिस दबिश दे रही है, आरोपी फरार हैं। अब देखना है कि मुगरा बादशाहपुर पुलिस कितने दिनों के अंदर में आरोपियों को पकड़ लेती है। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं SS पांडे, मुगरा बादशाहपुर, जौनपुर।